प्रदेश में आचार संहिता लगते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आगामी त्योहारों में किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर एसडीएम इकबाल मोहम्मद ने कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगामी त्योहारों और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भांडेर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में भांडेर एसडीएम इकबाल मोहम्मद ने सभी लोगों से त्योहार मनाते वक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए इकबाल मोहम्मद ने कहा कि अशांति फैलाने वालों और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी या भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कड़ा कदम उठाया जाएगा। वहीं एसडीओपी कणिक श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र में किसी भी तरह की अशांति न फैले। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था वो आगामी त्योहारों को व्यवस्थाओं को लेकर था। उस संबंध में तहसील साहब द्वारा जो है सभी विभागों को जो जो निर्देश दिए गए हैं कि आगामी त्यौहार के दृष्टिगत में क्या व्यवस्थाएं करनी है, वैसे ही जनता से अपील की गई है कि आगामी त्योहारों और विधानसभा को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें यदि किसी असामाजिक तत्व या इस प्रकार किसी अवैध गतिविधि की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल जो है वो प्रशासन को उसको इस संबंध में सूचित करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।